भोपाल के थाना बजरिया में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अलीम खान ने बताया कि रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी सतीश शर्मा की विक्रम साहू के साथ कहासुनी हुई थी, जिस पर आरोपी ने विक्रम साहू के पेट और जांघ पर चाकू मार दिया, जिसको उपचार हेतु हमीदिया अस्पताल में लाया गया, जहाँ उनकी अधिक खून बहने से मृत्यु हो गई। थाना बजरिया पुलिस ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। हत्या का एक वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, वहीं आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। मृतक और आरोपी दोनों ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये कल रात के 11:30-12 बजे बीच की घटना है ये। इसमें सतीश शर्मा जो है वो उसके द्वारा जो है विक्रम साहू, क्योंकि वहीं सैमरा बजरी के ही निवासी है, इसके साथ जो है मारपीट की और चाकुओं से गोदा है, जिसमें एक चाकू का घाव पेट में है, जांग में है। तो उसकी वजह से जो है अत्यधिक ब्लीडिंग होने से जो है उसकी जो है इसमें हत्या हो गई है। इसमें जो सस्पेक्टेड है उसको अब या जो उसका आरोपी है सतीश शर्मा, इसको जो है आज जो है राउंड अप कर लिया है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसको न्यायालय पेश करेंगे। सतीश शर्मा ने, सतीश पंडित ने साहू की इसलिए हत्या की है कि इनका एक वर्ष पूर्व झगड़ा हुआ था, उसी समय से जो है सतीश पंडित जो है विक्रम साहू से रंजिश रखता था, उसी रंजिश के कारण ही कल इसकी जो है इसके द्वारा चाकुओं से हत्या की गई। सर, ये जो आरोपी है इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? और भी अपराध हैं इसके ऊपर, जैसे 25 आमसक के और 451 मतलब घर में मारपीट, इस तरह के इसके पूर्व के अपराध भी हैं। और इसके पर जो है हम और सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसकी गुंडा लिस्ट वगैरह, जो गुंडा लिस्ट तो में नाम पहले से है, और इसको जो है क्या मैक्सिमम अधिक कार्रवाई कर सकते, ताकि जो है अपराध और अपराधी दोनों का जो है हम उसमें शिकंजा कसने प्रभावी कार्रवाई कर सकें। सर, इसमें आरोपी कुल कितने हैं? अभी एक आरोपी सामने आया है और एक ही आरोपी है इसमें, एक ही व्यक्ति ने उसको, एक ही है हमारा, उसको पुरानी रंजिश है, रंजिश पे सब हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।